नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 5 द्वितीय सत्र पाठ 12 दूंदुमा गांव के बच्चे एनो आपणे अभ्यास करता था। आज आज एना अभ्यास अने स्वाध्यायनी चर्चा करीशु। अभ्यास प्रश्न एक, सोचकर बताइए आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत है। तो हमको अपने गांव में या अपने शहर में जो पानी के स्रोत है उनके नाम लिखने हैं। तो हमारे गांव में नदी से या जो नल है वहां से पानी आता है, बोर से पानी आता है। तो इस तरह आपको लिखना है कि आपके गांव में या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत है वह आपको लिखने हैं। तालाब है, नदी है, जो भी पानी के स्रोत है उनके बारे में लिखना है। ट्यूबवेल है वो भी लिख सकते हैं। हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हम पानी का उपयोग खेती में सिंचाई के लिए करते हैं, पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं, नए मकान के कार्य में पानी का उपयोग होता है। इस तरह पानी का उपयोग के बारे में आपको लिखना है सोच विचार कर। प्रश्न 3, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी लोग पानी का अपव्यय करते हैं। तो हमें पानी का अपव्यय करना नहीं चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि पानी हमारे जीवन का अमूल्य व अमूल्य भाग है। पानी को जो लोग बिना सोचे समझे उनका अपव्यय करते हैं उनको रोकना चाहिए। जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी का हमें उपयोग करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे। तो पानी का अपव्यय न हो इस हेतु हम अपने नल से जो टपक रहा पानी है उनको हम तुरंत बंद करेंगे, और जो पानी का पात्र हमने रखा हुआ है पानी भरने के लिए वह पूर्ण रूप से भर जाए तब हमें नल को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे बंद करना चाहिए। इस तरह हमें पानी के अपव्यय में और भी कुछ करने के लिए हमें जो हो सके वह करना चाहिए। प्रश्न 2, छात्रों को अपने गांव या शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेकडैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। तो आपने देखा होगा, नदी देखी होगी या चेकडैम भी देखा होगा। तो यह प्रश्न लिखना नहीं है, आपको मुलाकात करना है। प्रश्न 3 है, इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और इसमें जो किया है जो चिन्ह इस तरह अंडरलाइन उनको करना है। तो यहाँ पर देखते हैं लहाए, तो इस तरह बरसात, इस तरह बादल, इस तरह दुमदुमा, तैरना। तो यहाँ पर शब्द आपको इसमें से लिखने हैं। ब विभाग है, दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। न सा प रो छ पा बी, तो यहाँ पर छ है क्षमा छम, और यहाँ पर क्या होता है सारे। इसी तरह यहाँ भी वो जो है सार्थक शब्द बनाना है, तो इन वर्णों का उपयोग करके आप बनाना है, आपको बनाना है। प्रश्न 4 है, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है उनके आधार पर आपको 5 वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा गांव का चित्र दिखाई दे रहा है,
और उसमें भी इस गांव में एक सुंदर तालाब है। तालाब के किनारे कुछ औरतें अपने कपड़े धो रही हैं। तालाब के किनारे सुंदर फूल खिले हुए हैं और बच्चे खेल रहे हैं। और तालाब के नज़दीक खेत भी है और खेत में एक किसान अपने बैलों के साथ हल जोत रहा है। यह सुंदर सुबह का चित्र दिया है। तो इस तरह आपको 5 वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो यहाँ पर जो चित्र है, तो यहाँ पर मेढक दिखाई दे रहे हैं और एक सांप भी दिखाई दे रहा है। और दूसरे चित्र में जो सांप है वह मेढक को निगल जाता है। तब तीसरे चित्र में सब मेढक इकट्ठा होते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि इस सांप को यहाँ से किस तरह भगाया जाए। तब वह अपने सोच विचार से सब जो मेढक थे वह सांप पर टूट पड़ते हैं और सांप को मारने लगते हैं और सांप घबरा जाता है। और इस तरह सांप अपने जो डर में रहता था उसमें से वह भागकर वह अन्य जगह पर वह जा रहा है। तो इस तरह आपको कहानी चित्र के आधार पर बनानी है। प्रश्न 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। रहना है तो रहती थी। बच्चे तालाब में नहाना चाहते थे। बच्चे तालाब में नहाते थे। खेतों में मक्का और धान लहलहाए थे। तो इस तरह आपको यह रिक्त स्थान पर पूर्ण करना है। प्रश्न 7, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। लाल सफेद तीन सुंदर। खेत में गाय चरती है। खेत में लाल गाय चरती है। खेत में सफेद गाय चरती है। खेत में तीन गाय चरती है। खेत में सुंदर गाय चरती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यह पढ़ना है और एक बार लिखना है। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। लाल रंग बिरंगे तीन सुंदर। बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में लाल फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बगीचे में तीन फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो इस जो यह बना हुआ है वाक्य, इसी तरह आपको भी इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। कौ है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो होशियार, तो महेश होशियार लड़का है। सुंदर, तो मित्तल सुंदर लड़की है। काला, जामुन काला रंग का होता है। छोटा, मेरा छोटा भाई खेलने में बहुत अच्छा है। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो इस तरह आपको वाक्य में प्रयोग करना है। स्वाध्याय है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो हम जानते हैं दुमदुमा गांव की पानी की समस्या थी। पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी की कमी के कारण बच्चे तैर नहीं पाते थे, वह खेल नहीं पाते थे पानी में। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए उपाय बताया। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े कुदाल जैसे साधन लाते हैं। तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव में पानी की जो कमी थी वह दूर हो जाती है और उनसे खेती में सिंचाई भी होने लगी और बच्चे तैर भी सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है?
निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। तो आपको कहानी में कहानी का पहले अच्छी तरह वाचन करना है और इसमें से सोचकर उनका उत्तर लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आपको शब्दकोश में क्रम में तो पहला शब्द क्या आता है, वह आपको जो हम धुमधुमा बादल कड़ाई छपाछप ल लहाए तो कक्कावारी में हम लिखते हैं जिस तरह गुजराती में, ये रीते तुम्हारे यानो शब्दकोश में लिखवाना चाहिए। तो कड़ाई छपाछप आ रीते तुम्हारे એનો ઉપયોગ કરવાનો અને પછી લખવાનો છે। પ્રશ્ન 4, ગુજરાતી મેં અનુવાદ કીજીએ। તો આ વાક્ય હિન્દીમાં આપ્યા છે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। બચ્ચે પાણીમાં ખેલના ચાહતે થે, બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। તો એ રીતે અહીંયા વાક્ય આપ્યા છે એ પણ તમારે પોતાની રીતે કરવાના છે। પ્રશ્ન 5 છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો મેં સે કોષ્ટક મેં દીએ ગયે શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ। તો અહીંયા સમાનાર્થી શબ્દો આપવાના છે તમારે। તો અહીંયા પ્રાર્થના પહેલાં અહીંયા કોષ્ટકમાં જોઈએ તો ઉપાસના દુઃખી યુક્તિ વર્ષા સ્તુતિ વારી વ્યાકુલ તરકીબ વરસાદ અને નીર। તો પ્રાર્થના છે તો ઉપાસના અને સ્તુતિ, ઉપાય છે તો યુક્તિ તરકીબ, પાણી તો બારી નીર, બારિશ તો વરસાદ વર્ષા, પરેશાન તો દુઃખી અને વ્યાકુલ। તો આ રીતે તમારે કરવાનું છે। છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે આપકે ગાંવ મહોલ્લે આસપાસ સ્કૂલ મે ભી કોઈ ન કોઈ સમસ્યા જરૂર હોગી, પતા કીજીએ ઓર લિખીએ। તો એ પ્રશ્ન પર તમારે હવે લખવો નથી। પછી એ સમસ્યા કે બારે મેં આપને સરપંચ નગર સેવકો પત્ર લિખીએ। તો તમારે પત્ર લેખન તમારે જાતે ઘરે કરવાનું થશે, બરોબર? તો પત્ર લખવાનો પ્રયત્ન કરજો। છઠ્ઠો પ્રશ્ન તમારો લખવાનો છે નહીં પણ એનો ખ વિભાગ છે પત્ર લેખન, તો તમારે એક પત્ર લેખન બનાવવાનું છે। તો બીજું કે અહીંયા યોગ્ય વિસ્તાર આપેલો છે આ ખૂબ જરૂરી છે, તો તમારે ખાસ આ સંકેતોને સમજવાના છે, કારણ કે અત્યારે આપણે વાહનો હવે ચલાવવાના છે તમારે મોટા થઈને, તો આ યાદ રાખવાનું છે। આપણા જે સિમ્બોલ આવે છે તો થોભો એને સ્ટોપ કહેવાય, અહીંયા સોકડો પુલ આવતો હોય તેના માટે અહીંયા આપેલું છે નેરો બ્રિજ સંક્રા સેતુ। તો અહીંયા હિન્દીમાં ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં ત્રણ એના શબ્દો આપેલા છે, જેને આપણે રાઉન્ડ અબાઉટ કહીએ છીએ, ગોળાકાર રસ્તો, ત્યાર પછી આગળનો સોકડો રસ્તો હોય। તો આ સિમ્બોલ તમારે સમજવાના છે, બરોબર? આ નો એન્ટ્રી છે, તો આ રીતે સાયકલની મનાઈ હોય તો આ રીતનું સિમ્બોલ આવે છે। એના પછી ઇતના જાણીએ, ફાવડા એટલે ફાવડો, તસલા એટલે તગારું, કડાઈ એટલે કડાઈ, કુદાલ એટલે કોદાળી, ટોકરી એટલે ટોપલી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પાઠ 12 નો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય એ સુંદર અક્ષરે લખવાનો થશે। અસ્તુ।